आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको आईब्रो को काला घना बनाने का बहुत ही असरदायक नुस्खा बताने वाली हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके आईब्रो के जो बाल होते हैं बहुत ही कम होते हैं, उन्हें पेंसिल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्हें चार लोगों में बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि हम लोग जब तैयार होते हैं किसी फंक्शन में जाते हैं तब तो पेंसिल का यूज कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप भी समस्या से परेशान हैं कि आपके आईब्रो के बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, काले नहीं हैं, तो आज मैं जो आपको नुस्खा बताने वाली हूँ आप उसको ट्राई करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, आपके आईब्रो के बाल बहुत तेज़ी से घने हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया गया घंटे का निशान दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी बैजलीन पेट्रोलियम जेली की। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी औषधीय गुण पाए जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट्स से मिली होती है जो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करती है। तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली, बिल्कुल ज़रा सी आपको लेना है, इतनी ही करीब इस तरह से। अब आपको इसमें अगली जो चीज़ मिक्स करनी है वो मिक्स करना है आपको बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा जो होता है वो जड़ों को मजबूत बनाएगा, जड़ों को जो बाल हैं उसको उगाने में मदद करता है। तो आपको एक फिंगर की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है, दोनों चीज़ों को इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। अब आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है नींबू का रस। नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है। अगर आप नींबू का रस नहीं मिलाते हैं तो जो बेकिंग सोडा है ये अपना असर नहीं दिखाएगा और उल्टा बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देगा। तो आपको यहाँ पर नींबू का रस मिक्स करना है इस तरह से। और अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए ताकि जो आईब्रो पर डस्ट वगैरह लगी है वो सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको इस मिश्रण को इस तरह से लेना है और जिस तरह से आप क्रीम लगाते हैं उसी तरह से आपको अपने आईब्रो पर इस तरह मोटी मोटी इसकी लेयर लगा लेनी है, यानी कि बहुत मोटा मोटा सा आपको लगा लेना है और हल्के हल्के से मलते हुए लगाना है ताकि ये जो बालों के अंदर अच्छे से बैठ जाए, ये जो मिश्रण है ये आईब्रो के बालों में अंदर तक बैठ जाए, उसकी जो जहाँ से जड़ें शुरू होती हैं वहाँ पर पहुँच जाए। और ऊपर भी इसको आप लगा रहने दीजिए, आपको इसको एक घंटे तक लगातार लगे रहने देना है। उसके बाद आप गीले कपड़े से या चाहे तो पानी से चेहरे को धुल भी सकते हैं, लेकिन एक घंटे से पहले मत इसको हटाइए। तो आप इस तरह देखेंगे कि अगर आप हफ्ते में इसको 3 बार आपको इस्तेमाल करना है, आप देखेंगे कि आपके आईब्रो के बाल काले होना शुरू हो गए हैं, घने होना शुरू हो गए हैं और आईब्रो बहुत ही भरी भरी सी दिखना शुरू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।